न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाने और वीवीपैट का उपयोग ना किए जाने से समाजवादी जनपरिषद के नेता अजय खरे ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहां ईवीएम मशीन का उपयोग होगा वहां मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा, और ऐसा हुआ भी था। 2018-19 के चुनाव में वीवीपैट का उपयोग किया गया था, जिसके चलते मतदाताओं को ईवीएम मशीन पर विश्वास पैदा हुआ था। लेकिन हाल में ही हुए नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर चुनाव आयोग ने वीवीपैट का उपयोग नहीं किया, जिसके चलते अब मतदाता और समाज सेवियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूरे मामले को लेकर समाज सेवी अजय खरे ने कहा कि जिस तरह से चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उससे यह सिद्ध हो गया है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उनको बल मिल रहा है। ऊपर से प्रशासन के द्वारा वीवीपैट का उपयोग न करना सवालों के घेरे में है। श्री खरे ने आरोप लगाया कि शासन के दबाव में चुनाव आयोग ने भी उक्त मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बिना वीवीपैट के ही नगरीय निकाय के चुनाव करा दिए, जिसका कारण ये है कि जो प्रत्याशी जीत से कोसों दूर दिख रहे थे उनकी जीत सुनिश्चित हो रही है। श्री खरे ने कहा कि अगर जमीन में बैठकर सैटेलाइट को नियंत्रण किया जा सकता है तो ईवीएम मशीन को क्यों नियंत्रण नहीं किया जा सकता। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमने रीवा जिले के पर्यवेक्षक आर गगरेकर से बात की तो उन्होंने कहा कि वीवीपैट की व्यवस्था नहीं थी। रीवा जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते नगरीय निकाय चुनाव में इसका उपयोग नहीं किया गया। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वीवीपैट का उपयोग न करना नगरीय चुनाव के परिणामों पर क्यों संदेह व्यक्त किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उक्त मामले में समाज सेवी अजय खरे ने क्या आरोप लगाए हैं, फिर आपको सुनाएंगे पर्यवेक्षक आर गगरेकर ने क्या जवाब दिया है। जो परिणाम आ रहे हैं उससे लोगों को अब ये लगने लगा है कि यह चुनाव भी जो था तो ऐसा उल्टा जा सकता है। कितनी पारदर्शिता आप मानते हैं, किस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए थी और क्यों नहीं लगाया गया ये मशीन? पंचायती चुनाव में तो मतपत्र था, लेकिन इसमें नगरीय चुनाव में वीवीपैट की जरूरत थी क्योंकि ईवीएम मशीन के माध्यम से यहाँ हो रहा था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं कि जहाँ ईवीएम का इस्तेमाल होगा वहाँ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन देखने में आया कि नगरीय निकाय चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कोई निर्देश नहीं है, तो देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसके निर्देश का क्या मध्य प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वो पालन नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरे जिस ढंग से चुनाव परिणाम आ रहे हैं तो उससे संदेह लोगों का फिर बढ़ेगा, क्योंकि अभी 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस की सरकार बनी, और फिर अभी ये जो ढंग से आ रहे हैं नगरीय चुनाव परिणाम, जबकि पंचायत और ग्रामीण स्तर के चुनाव परिणाम कुछ और हैं लेकिन नगरीय क्षेत्रों के चुनाव परिणाम सत्तारूढ़ दल की ओर जा रहे हैं, तो लोगों के मन में ये शंका तो उठेगी। जिस सवाल को लेकर इतना हंगामा ईवीएम को लेकर, तो ईवीएम को तो सरकार ने नहीं नकारा और उसकी जगह में वीवीपैट की व्यवस्था हुई कि मतदाता जब देखेंगे कि उनका वोट सही जगह पड़ रहा है तो वो जब दबाएंगे बटन तो सामने चिन्ह आएगा जो उनका मनपसंद चिन्ह है उसमें वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो वो व्यवस्था ही ख़त्म कर दी गई। तो ये सभी जगह है, माने कोई रीवा भर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पूरी अवहेलना है, क्योंकि जो नियम बनते हैं या जो निर्देश बनते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के वो पूरे देश पर लागू होते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या नगरीय निकाय का चुनाव हो, या ऐसे कोई भी चुनाव जहां ईवीएम की मशीन की व्यवस्था है। इस बार ये कुछ लोग बता रहे हैं कि चूँकि ऐसा संभव नहीं हो पाया, चूँकि महापौर का और पार्षदों का चुनाव एक साथ था इसलिए उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन आप जब चुनाव करा रहे हैं तो ये बहाना उचित नहीं है, वो व्यवस्था आपको बना के ही चुनाव कराना चाहिए। तो ये एक आपत्तिजनक बात है, और लोगों के मन में यदि मतदाता के मन में संदेह की स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे कि फिर से एक धांधली हुई है। इसका जवाब सरकार को, जो प्रशासन है, चुनाव आयोग है, इसको देना पड़ेगा। लोगों की कहीं ना कहीं मन में संदेह होगा, इस चुनाव है, चुनाव आयोग है, इसको देना पड़ेगा। लोगों की कहीं ना कहीं मन में संदेह होगा, इस
चुनाव प्रणाली को लेकर ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्टों के निर्देशों की अवहेलना हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं कि इस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का निर्देशों का पालन होना चाहिए। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। जिस तरह से प्रथम चरण के चुनाव आज आए घोषित हुए, देखा जा रहा था कि जहां पर कांग्रेसी दावा कर रहे थे, लोग अनुमान लगा रहे थे, वहां बीजेपी आ रही है, तो क्या लगता है कि इससे और प्रबल हो गई क्या ये जो शंका व्यक्त की जा रही थी, जहां लग नहीं रहा था कि काम नहीं किया, विकास नहीं किया, लेकिन भाजपा दावा कर रही थी कि यह सीट हमारी पक्की है और हो भी रहा है ऐसा? तो भाजपा का तो रहता है कि वो पूरा एक उनका रहता है कि बना लेते हैं कि योजना बंटन के किस सीटों को जीतना है कैसा क्या, तो लोगों को लगता है कि पहले वो उन सीटों पर अपना दावा करते हैं, फिर मीडिया के माध्यम से दावा होता है, फिर वो पुष्टि हो जाती है और बोलते हैं कि देखिए बिल्कुल हमारे अनुमान सही निकले हैं। तो उनके दावा तो हमेशा ऐसे ही रहता है, लंबे दावे रहते हैं हर जगह। और हो सकता है, क्योंकि ईवीएम पर सवाल तो है, इसमें नहीं कह सकते कि ये जो मशीन का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जब आप मंगल ग्रह में कोई जा रहा है यान, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल तब और उठता है जब ग्रामीण के चुनाव हुए हों अभी हाल ही में त्रिस्तरीय, भाजपा को करारी हार मिली, भाजपा समर्थित प्रत्याशी नहीं जीत पाए, और जब ईवीएम मशीन से होता है तो वही प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे। हाँ, तो ये बिल्कुल सवाल उठेगा ही, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग जो गांव में है वही शहर में है, तो कहीं इतना बड़ा फर्क तो नहीं आएगा एकदम बिल्कुल स्थिति पलट जाए। माने गांव का रुझान अलग है, शहरों का रुझान अलग है, तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नगर पंचायतों में भी वही स्थिति है चुनाव में, जो शहरों का हाल है वो गांव का, और गांव से बिल्कुल वो लगे हुए हैं नगर पंचायत, तो उनका पंचायत शब्द ही जुड़ा हुआ उसमें, तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काला है। हाँ, दाल में काला तो लगने की बात ही है, क्योंकि ये कोई मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है तमाम, इसलिए वो वीवीपैट की व्यवस्था की गई है और इसको इन्होंने नकार दिया है, इसलिए संदेह निश्चित रूप से बढ़ गया है। 2018 विधानसभा में उपयोग किया गया और अभी नहीं किया गया, तो क्या जो हार मिली उससे सीख लेकर भाजपा ने उपयोग नहीं किया आपकी बार? हाँ, 2018 के चुनाव में हुआ था, विधानसभा में, लोकसभा में, 19 के में, दोनों में हुआ था, और इस बार नहीं हुआ तो संदेह तो होगा, क्योंकि उस समय तो परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा में, और अभी जो चुनाव परिणाम है, ये तो 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हैं और उनको और 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, दोनों को प्रभावित करेंगे। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी, बोलिए सर। ये जानना चाह रहा था कि इस जो चुनाव हुआ सर, इसमें वीवीपैट का उपयोग नहीं किया गया, तो सर क्या कारण था? क्या जो वीवीपैट लगाते हैं, जो मशीन लगाई जाती थी कि हमारा वोट किस में पड़ा, एक मशीन लगती थी ना, तो उसमें आ जाता था वीवीपैट, किसने मशीन लगाई, तो अब की बार नहीं लगी थी सर ये नगरीय निकाय चुनाव में? हाँ, तो सर क्या कारण होगी? इनके पास व्यवस्था नहीं होगी, तो व्यवस्था नहीं थी कलेक्टर पर, प्रशासन के पास? नहीं नहीं, यहाँ पे, यहाँ कहाँ नहीं लगी है, ये कहीं नहीं लगी थी सर? रीवा में? कहाँ की बात कर रहे हैं? शहर में, रीवा नगर निगम में, शहर में। तो रीवा नगर में क्यों लगेगी, कहाँ के लिए लगाना है? तो नियम नहीं था क्या सर इसका लगाने का, वीवीपैट का? कहाँ का लगाने का, बताओ ना, किस बात के लिए? चुनाव में मतदाता को ये पता चल जाए कि हमारा वोट इसी में पड़ा, इसके लिए लगाई जाती थी? नहीं नहीं, वो कहीं यहाँ पहले भी लगी, अब भी नहीं लगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा प्रावधान नहीं है, जब चाहे तो लगाया। हाँ, विधानसभा में चूंकि लगा था, विधानसभा में लगाई। हाँ, तो विधानसभा के निर्देश अलग है श्रीमान। अच्छा, इसमें कोई निर्देश नहीं? निर्वाचन आयोग इतने संसाधन नहीं है। अच्छा, इतने इसके इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं कि सब जगह लगाया जाए। अच्छा, यहाँ ऐसा कोई निर्देश नहीं था। रीवा जिले में सर कहीं नहीं लगाई गई थी? अरे किसी मध्य प्रदेश में कहीं नहीं लगी भाई, निर्देश ही नहीं है।